दिस इज ले, द क्राउन जूल ऑफ लद्दाख। आपको पता है ले शहर इतना फेमस क्यों है? हाँ, यहाँ खूबसूरत नज़ारे हैं और ट्रेंडी कैफेज भी हैं, बट मोर इंटरेस्टिंगली आज भी यहाँ पर एंशियंट लद्दाखी कल्चर एक्सपीरियंस किया जा सकता है। अब चाहे वो मेजेस्टिक ले पैलेस हो या फिर यहाँ के लोकल मार्केट्स, लद्दाखी क्यूजींस हो या फिर हजारों साल पुरानी मॉनेस्ट्री, ले की तो बात ही कुछ और है। तो दोस्तों आइए द ग्रेट इंडियन रोड ट्रिप के इस एपिसोड में ले शहर और इसके आसपास के इलाकों को जरा खुलकर एक्सप्लोर करते हैं। हे गाइस, वेलकम टू एपिसोड 70 ऑफ द ग्रेट इंडियन रोड ट्रिप। हम आ चुके हैं लेह में, अभी हम लेह पैलेस के ऊपर खड़े हैं और आओ इस वीडियो में पूरा लेह साथ में घूमते हैं। सफर अनजाना सा है, रास्ता बेगाना सा है, हर मोड़ मोड़ पे कुछ नया सा है, हर मोड़ मोड़ पे कुछ नया सा है। वेलकम टू द ग्रेट इंडियन रोड ट्रिप। पिछले व्लॉग में आपने देखा हम नुब्रा वैली से ड्राइव करके आ गए थे लेह, जो कि आज हम घूमने वाले हैं। Hey guys, good afternoon. कल द ग्रेट इंडियन रोड ट्रिप में हम पहुंच चुके थे लेह, और लेह पहुंचते ही पता क्या हुआ, ये जो पीछे शख्स बैठा है ना, इसको काट लिया कुत्ते ने। तो फिर हम भाई साहब के साथ गए हॉस्पिटल, इंजेक्शन वगैरह लगवाए, इनको काफी दर्द भी हो रहा था। आज हमने थोड़ा रेस्ट किया और अब दोपहर हो चुकी है, हम निकल पड़े हैं लेह शहर घूमने। आज अडेन लेह टाइप की वाइब आपको मिलने वाली है, और हमारा जो पहला डेस्टिनेशन हमने शॉर्टलिस्ट किया वो है जोरावर फोर्ट। चलो साथ में घूमते हैं जोरावर फोर्ट। पता है गाइस, ये बाइक से आ रहा था और इसने लाउड स्पीकर में गाना बजाया था, रिंकिया के पापा ही करते, और गाना सुन के इसको कुत्तों ने काट लिया। गाइस हम पहुंच चुके हैं जोरावर फोर्ट, तो बाहर से कुछ ऐसा दिखाई देता है, अब और टूरिस्ट तो नहीं दिखाई दे रहे, अंदर चलते देखते कैसा है। छोटा सा ही लग रहा है। दोस्तों लेह शहर के बीचों बीच है जोरावर फोर्ट। जोरावर फोर्ट को आर्मी मेंटेन करती है, और जैसे ही आप इस फोर्ट में घुसोगे आपको सबसे पहले जनरल जोरावर की एक मूर्ति दिखाई देगी। जनरल जोरावर की दो बहुत पेक्यूलियर बातें थी। पहली ये कि वो सैलरी नहीं लेते थे और अपने लिए कभी भी वेल्थ अमास नहीं की उन्होंने पर्सनली। द सेकंड थिंग इज़ उन्होंने यहाँ पे बहुत सारे नए रीजन्स, नए लैंड्स कॉन्कर किए, लेकिन कभी भी वो राजा को खुद नहीं बताते थे कि आई यू नो वन दिस न्यू रीजन फॉर यू। वो जब अपने ट्रेजर्स राजा के पास भेजते थे, देन द राजा हैड टू फिगर आउट कि अब कौन सा नया रीजन उन्होंने उनके लिए एनेक्स किया है। दोस्तों यहाँ पर दो एग्जीबिशन हॉल्स हैं जिसमें यहाँ की लोकल हिस्ट्री और जनरल जोरावर सिंह की जीवन के बारे में काफ़ी चीज़ें बताई हैं, जैसे वो किस तरीके के वेपन्स यूज़ किया करते थे, कैसे कपड़े पहना करते थे, और किस तरीके से यहाँ के एक्सट्रीम वेदर में भी उन्होंने बहादुरी के साथ बहुत सारी जंगें जीती, उसके बारे में यहाँ पर काफ़ी डिटेल में अच्छे से बताया गया है। गाइस ये फोर्ट काफ़ी छोटा है, जैसे आप एंटर करते हो देर आर टू रूम्स, उसके बाद में ये ओपन एरिया आ जाता है जहाँ पर ये थोड़ा सा आई थिंक यहाँ पे लाइट एंड साउंड शो होता है। इस तरफ एक कैफ़े है जहाँ पर आप चाय कॉफ़ी कुछ सैंडविचेस वगैरह ऐसी चीज़ें ले सकते हो, और इधर फिर कुछ गेस्ट रूम्स हैं जहाँ पर स्टे भी होता है। यू नो द वन थिंग दैट रियली स्ट्रक मी अबाउट दिस फोर्ट इज़ इसको ना इसके ऊपर मिट्टी लेप के बनाया हुआ है, तो देख करके ऐसा नहीं लगता कि ये कभी बहुत बड़ा फोर्ट रहा होगा, ऐसा लगता है कि किसी गाँव में जैसे घर वर बनाते हैं ना, उस तरह की बहुत ही अर्दी होमली फीलिंग है इसके अंदर, पर तोपे भी है साथ में। दोस्तों यहाँ पर उस ज़माने की कुछ गाड़ियाँ हैं और एक जगह है मंदिर, मस्जिद आप उसे बोलो, जिसमें सभी धर्म के लोग पूजा कर सकते हैं। साथ में एक रेड स्ट्रक्चर है जिसमें आप सीढ़ियों से ऊपर जा सकते हो, और आप ऊपर जाओगे तो वहाँ पे आपको कुछ तोप रखी हुई दिखाई देंगी, और इन्हें कुछ ऐसे लगाया गया है कि यहाँ से आप डायरेक्ट फोर्ट के बाहर अटैक कर सकते हो। आक्रमण। गाइस ये पूरा का पूरा घोड़ों के अस्तबल का एरिया है, और जहाँ पे इनको चारा डालते हैं यहाँ पे देखो सबके नाम लिखे हुए हैं, लाल घोड़ी, बाजीगर, फटफट, नोनो, माइकल, सो ऑन सो फोर्थ। यहाँ पे इतने सारे घोड़े एट सम पॉइंट रहते होंगे, फिलहाल तो यहाँ पर एक ही घोड़ा है। जाओ उसके पास, वो शर्मा रहा है, वो हमेशा उल्टा भाग जाता है, देखो भाग गया। प्यारे बाल काट रखे ना। दोस्तों लद्दाख में मैंने एक चीज नोटिस करी कि आप किसी भी जानवर के पास जाओ, घोड़े के पास, ऊंट के पास या याक के पास, सारे के सारे ना आपको देखते ही शर्मा के भाग जाते हैं। अरे आ गया ये तो नहीं शर्मा रहा। अरे ये सारे आ रहे इधर, वाह 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 वाह, सारे आ गए सारे आ गए सारे आ गए। भूख लगी है यार गाइस, और को यहाँ से चारा तोड़ के
चुरा के इनको दे रहा है। गाइस हल्की हल्की धूप और बहुत सारी छांव में बैठ के हमने टेस्टी मसाले वाली चाय पी ली है। अब जोरावर फोर्ट से निकलते हैं और सीधा जाएंगे ले पैलेस। लेट्स गो आक्रमण। दैट वाज सो गुड। आक्रमण। हम आ गए हैं ले पैलेस। ये हमारे पीछे जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है यही पैलेस है। ये लकड़ी मिट्टी और ब्रिक से बनाया हुआ है पूरा का पूरा पैलेस। इतनी हार्श कंडीशंस में जहाँ पर रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, इतनी ठंड है, ऑक्सीजन कम रहती है वगैरह वगैरह, दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित बिल्डिंग बनाना एक बहुत बड़ा आर्किटेक्चरल फीट है। चलो अंदर घूमते हैं। लेह पैलेस में घुसते ही लेफ्ट साइड में आ जाती है लेह पैलेस गैलरी। यहाँ पर पैलेस की हिस्ट्री से जुड़ी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है और यहाँ के जो पिलर्स है वो मैंने पहली बार देखा कि लकड़ी के पिलर्स कहीं पे यूज़ हुए हैं और इनफैक्ट ये जो पूरा फोर्ट है वो मिट्टी, पत्थर और लकड़ी से ही बना हुआ है। आप चौथा स्तर पर हैं तो दिस इज़ फोर्थ लेवल और यहाँ पर ऐसे 9 फ्लोर हैं और 100 कमरे यहाँ पर आते जाते तो बंद है, कुछ कुछ खुले उसमें किसी में एग्जीबिशन लगी हुई है। इस तरीके से आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और यहाँ से जो व्यू दिखता है ले शहर का तो कुछ ऐसा नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। दिस इज ले। कुछ 30,000 लोग यहाँ पर रहते हैं तो चारों तरफ पहाड़ हैं और पहाड़ों पे आप देख सकते हो बर्फ है इस तरीके से और वहीं कहीं खादुंगला पास है जहाँ से हम कल आए थे। दोस्तों यहाँ पर ये दूसरी जो गैलरी है लद्दाख गैलरी। दोस्तों यहाँ दीवार पे ना बहुत सारी पेंटिंग्स बनी हुई है और यहाँ पे बताया हुआ है कि किस तरीके से उनको पेंटिंग्स को प्रिजर्व किया गया। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो पहले पेंटिंग ऐसे ख़राब हो चुकी थी, उसको फिर सही किया गया यहाँ पर ऐसे, और कभी दीवार में मड की दीवार है तो उसमें क्रैक आ जाता है तो पहले ऐसी थी फिर प्रिजर्व मतलब उसको सही करके ये किया गया। इस तरीके से यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी। क्या चल रही है गाइस? मैं इसको मार रहा हूँ मर्डर 3, 4, 5। गाइस हम आ चुके हैं यहाँ के टॉप फ्लोर पे जो 9th फ्लोर है ऊपर आप देख सकते हो और क्योंकि हमने देखा था यहाँ के जो छत बनी हुई है वो लकड़ी की बनी हुई है तो जब भी इस पे चल रहे ना इतने सारे लोग तो फ्लोर ऐसे 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 हिलता हुआ महसूस कर सकते हो आप। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? गाइस सही बोल रहा है, अब फिजिक्स पढ़ी है सही बता रहा है, वो तो रहे हो तो रहा मतलब चलते तो थोड़ा लगता है फील होता है। ओह माय गॉड दोस्तों लेह पैलेस के टॉप से नजारा काफी सुंदर आता है, आपको लेह का पूरा पैनोरमिक व्यू मिलता है तो हमने भी यहाँ पे खूब सारी फोटो खिंचवाई और फिर हम निकल जाते हैं खाना खाने के लिए। अगर आप लेह में घूमोगे तो आप लेह गेट को जरूर क्रॉस करोगे, मिस नहीं कर सकते। बहुत ही बड़ा बहुत ही सुंदर सा गेट बना हुआ है जहाँ से होते हुए हम पहुंच जाते हैं लेह की फेमस रेस्टोरेंट नमजा डाइनिंग जहाँ पर एक्चुअली लंच टाइम खत्म हो चुका था। गाइस हम आ गए हैं यहाँ के फेमस नमजा डाइनिंग पे लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब हम आए तो यहाँ पे शेफ वगैरह सब जा चुके हैं, क्लोजिंग टाइम हो चुका, हम थोड़ा लेट हो गए यहाँ पे आने में तो अब प्लान ये है कि लंच की जगह डिनर पे आएंगे। यहाँ पर अभी चलते हैं लेह मार्केट में, वहां पर कुछ खाया जाए।
गाइस ये एप्रिकॉट चीज केक और इतना डिलीशियस है ना ये, इसके ऊपर एप्रिकॉट की प्यूरी है, बीच में चीज़ केक है और उसके नीचे बहुत ही क्रंची सा बिस्किट का लेयर है। गाइस हमारी आ चुकी है दाल रोटी और के बढ़िया गर्मा गर्म छोले भटूरे। क्या खटास है भटूरों में, बहुत ही बढ़िया छोले भटूरे। गाइस अगर आपको चटपटा पंजाबी नॉर्थ इंडियन खाना खाना है तो यहाँ पे आप आ सकते हो, पंजाबी तड़का रेस्टोरेंट मेन लेह मार्केट में ही है। उसके बगल में एक हमें शॉप दिखी जहाँ पे काफ़ी अच्छी पेंटिंग्स लगी हुई है, तो इसको देखते हैं। आपकी पेंटिंग्स तो बड़ी अच्छी दिख रही है। ये कैसा हुआ? ये आप खुद बनाते हैं? जी। आप खुद बनाते जी। हैं? अच्छा, ये सारा हैंड पेंटेड है? जी, हैंड पेंट। मशीन वाला नहीं है। मॉनेस्ट्री के बाहर दीवार पे जो पेंटिंग है ये वही पेंटिंग है? वही पेंटिंग। दिस इज द व्हील ऑफ लाइफ जिसके सेंटर में देयर इज अ पिग, अ स्नेक एंड अ वल्चर आई थिंक, एंड वो बेसिकली जो हमारी अलग अलग ग्रीड होती है, भूख होती है, वो दर्शाता है। एंड देन नीचे हेल बनाया हुआ है कि जो लोग गलत काम करते हैं वो नरक में जाते हैं, और फिर ऊपर अलग अलग पार्ट से आप बुद्धा को कैसे अटेन कर सकते हो, कैसे वो दिखाया हुआ है। दोस्तों आप लेह के किसी भी कोने में चले जाओ, एक मॉन्यूमेंट है जो आपको हर जगह से दिखाई देता है, लेह मॉनेस्ट्री या नामग्याल सेमो मॉनेस्ट्री। लेह के बीचों बीच एक पहाड़ पे ये मॉनेस्ट्री है जो कि अपने 3-स्टोरी बुद्धा के लिए फेमस है। गाइस लंच के बाद हम लोग आ गए लेह मॉनेस्ट्री, लेकिन मॉनेस्ट्री आपको देखो वहाँ पीछे दिखाई दे रही होगी, उसके पास में ये एक चट्टान जैसी थी जिसके ऊपर ऐसे ये फ्लैग्स लगे हुए थे बहुत सारे, तो हम थोड़ा इसके ऊपर चढ़ते हुए इधर आ गए। ओहो, पल्लवी तो पहले से ही पहुंच गई है, और यहाँ से क्या व्यू है, वाओ। ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे मैंने माउंट एवरेस्ट क्लाइम कर लिया है और मैं पूरी दुनिया देख सकती हूँ, और हवा इतनी तेज है कि लग रहा है कि यहाँ से उड़ गई तो उड़ ही गई फिर। और आगे चलते हैं। दोस्तों एक पतला सा रास्ता है और इतनी तेज हवा चल रही थी, आप देख सकते हो फ्लैग्स कितनी तेज फड़फड़ा रहे, और पकड़ने के लिए कोई रेलिंग नहीं, तो जैसे तैसे भाई मैं बचते बचाते पहुंचा, पल्लवी पहले ही पहुंच चुकी थी वहां पे। ऐसा लग रहा है ना कि हम दुनिया के कोने पे आ गए। पता नहीं यार, फीलिंग तो आ रही है माउंटेनियरिंग हो गई आज थोड़ी सी। यहाँ तक चढ़ के आने में इतनी तेज हवा, अब डर लग रहा है उठने में। गाइस यहाँ से लेह शहर का नजारा देखो, और उस तरफ सनसेट हो रहा है, और यहाँ से सरक गए नीचे तो सीधे लेह पैलेस पहुंच जाएंगे। वो नीचे लेह पैलेस है। गाइस कुछ इस तरीके से यहाँ पे आना पड़ेगा सेफली, पर यार व्यू देखो कितना अमेजिंग है। गाइज ये है लेह मॉनेस्ट्री जो कि पुराना कैसल भी है, और यहाँ पे आप देख रहे हो पीछे एक 3-स्टोरी बिल्डिंग दिखाई दे रही है। इसमें एक्चुअली एक 3-स्टोरी टॉल मतलब काफ़ी लंबी बुद्धा की प्रतिमा है यहाँ पर अंदर, और दीवार पे कुछ पेंटिंग्स बनी हुई है। गाइज हम लोग आ चुके हैं लेह के ओल्ड पैलेस पे, तसेमो कासल इसको बोला जाता है, और यहाँ पर नीचे ही तसेमो मॉनेस्ट्री या लेह मॉनेस्ट्री इसको बोलते हैं, जहाँ पर 3 स्टोरी टॉल बुद्धा का स्टैचू है, और वहाँ पर नया वाला जो पैलेस है जिसको लेह पैलेस बोला जाता है 9 स्टोरी का है, वो आप देख सकते हो। इस तरीके से आपको लेह सिटी का व्यू मिलता है, और यहाँ से आप और मॉन्यूमेंट्स भी देख सकते हो, जैसे इस तरफ घूमें
तो ये सामने हमें दिखाई दे जाता है शांति स्तंभ। मिस्टर ऑर्को, आप हमारे साथ मॉनेस्ट्री क्यों नहीं आए? यार मॉनेस्ट्री बहुत ऊपर था, ठीक है, और I felt like just chilling. और ये आपने शॉपिंग कर ली है? मैं बस एक वो क्या कहते हैं, this is a hoodie, you can say. कितने का है? This is 1450 rupees. बस? गाइस हम छोड़ के गए थे ऑर्को को और वापस आए तो वो जैकेट वैकेट पहन के एकदम यो-यो ऑर्को बन गया है वो। गाइस हमने इस कॉर्नर कैफे की कॉर्नर सीट हड़प रखी है और यहाँ से हम पूरे मार्केट में क्या चल रहा है सब देख रहे हैं। कभी कोई साइकिल पे तार बांध के जा रहा है, कभी कोई स्केटबोर्ड कर रहा है, कभी कोई सुंदर सुंदर कपड़े पहन के जा रहे हैं, सब पे हमारी नजर बनी हुई है। गाइस मेरी बटर कॉफी आ चुकी है। बटर है, कॉफी है, मतलब ऐसा ही लग रहा है स्पेशल बनाने के लिए। हो सकता है इसमें याक का बटर यूज कर लिया हो। दोस्तों ले मार्केट में ना छोटी छोटी बहुत सारी स्टॉल्स हैं जहाँ पर आपको ट्रिंकेट्स वगैरह मिल जाएंगे, कुछ रिंग्स ज्वेलरी वगैरह इस तरीके की चीज़ें, फ्रिज मैग्नेट्स वगैरह मिलती हैं, तो हम वो सब थोड़ा लेते हैं और पहुँच जाते हैं डिनर करने। Hey guys, हम आ गए डिनर के लिए नब्जा डाइनिंग में। दिस इज एन एक्सक्विजिट रेस्टोरेंट, वेरी फेमस इन ले। यहाँ पर हमने हमारी पहली डिश ऑर्डर की है विच इज़ कॉल्ड ड्रापो। ये एक ट्रेडिशनल लद्दाखी डिश होती है जिसमें ये जो ग्रेवी है ये एप्रिकॉट और वॉलनट से बनाई जाती है और इसके अंदर ये जो आप पीसेस देख रहे हो ये डो यानी कि आटे से बनता है जो कि चटपटा सा होता है, थोड़ा सा नमकीन, थोड़ा चटपटा। टेस्ट करके देखते हैं। इट्स अ लिटिल बिट लाइक गट्टा, बेसन गट्टा, बेसन गट्टा। गाइस नेक्स्ट है काबरा एंड ये है खमीर, उसके साथ ही रोटी है, तो काफी मोटी रोटी है। गाइस इन अ नटशेल ये लद्दाखी फॉर्म ऑफ सरसों का साग और मक्के की रोटी है। गाइस ये आ चुका है यहां का आइकॉनिक डिश, यार खंडी पुलाव। इसमें ऊपर मुझे पनीर दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है तुमने तो। और ये राइस यरखंड इसलिए नाम दिया है क्योंकि चाइना में यरखंड वैली बोल के एक प्लेस है, जगह है, उससे रिलेटेड है, इसकी वजह से इसका नाम, अपना डिश का नाम अपने यरखंडी रखा है। भैया शर्मा घी का बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है, काफी अच्छे और बहुत सारे घी में पकाया हुआ है इसको। लौंग, इलायची, तेज पत्ता, इनकी बहुत ही भीनी भीनी और बहुत ही डिस्टिंक्ट फ्लेवर है। It is beautifully prepared. A must have if you come to Ladakh. Guys, dinner के बाद हम लोग room पहुंच गए हैं। आज काफी late हो गया घूमते घूमते। अब अपन मिलेंगे कल। तब तक के लिए good night. Good night, guys. दोस्तों हमारी road trip का जो plan था वो 9 महीने लंबा बना था। अब इतने लंबे टाइम में भैया लाइफ तो नहीं रुकती है, तो कुछ ना कुछ इमरजेंसीज आ ही जाती हैं। और आज ऐसी एक इमरजेंसी के कारण पल्लवी को रोड ट्रिप छोड़कर कुछ दिनों के लिए अपने घर जाना पड़ रहा है। गाइस ये है लद्दाखी ब्रेकफास्ट। ये तो अपना पूरी सब्जी होती है ना, वैसे ही आलू मटर की पूरी है, लेकिन ये जो ब्रेड है ये फर्मेंटेड रोटी जो होती है उसको फिर बेक कर दिया है तो और क्रिस्पी हो गई है बाहर से, तो इसको खा रहे तो कचर कचर मस्त आवाज भी आई। बहुत ही अलग है, लद्दाखी ब्रेकफास्ट ज़रूर ट्राई करना। गाइज हमारा भी चेकआउट हो चुका है और ये हमारे होम स्टे ओनर हैं नवांग जी। और यार इनका होम स्टे इतना प्यारा है, इतनी स्पेशियस यहाँ पे जगह है, इतने प्यारे लोग हैं, इतना अच्छा खाना यहाँ पे मिल रहा है, हमें तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आ गया। आप भी अगर कभी आएँ तो यहाँ पर रुक सकते हैं, एकदम लेह में सेंटर में ही लोकेशन है। और अब हम यहाँ से निकलेंगे कारगिल के लिए। तो बेसिकली मैं कारगिल जा रहा हूँ और को जा रहा है बाइक गिल, क्योंकि बाइक से मैं कार से हूँ। ठीक है, मिलते हैं। तो भाई पल्लवी तो पहुंच चुकी है अपने घर पंचकुला। अब मैं और को आए रोड ट्रिप को कंटिन्यू करेंगे, और को अपनी बाइक पे, मैं अपनी कार पे, और हमें आज जाना है लेह से निकल करके कारगिल। गाइस हम लोग आ गए हैं मैग्नेटिक हिल पे। बड़ा ही अजीब सा कॉन्सेप्ट है, एक ऑप्टिकल इल्यूजन बोल लो इसको। तो यहाँ पे आप सामने पहाड़ देख रहे हो ना, अब पता नहीं कौन सा वाला पहाड़ है, ये वाला पहाड़ है या वो अपोजिट साइड वाला पहाड़ है, ऐसा बोलते हैं कि वो मैग्नेटिक हिल है। मैग्नेटिक हिल हो गया, और हमारी गाड़ी होती है मेटल की, लोहे की बनी हुई है मान लो, तो ऐसा बोलते हैं कि
भले ही ऊपर की तरफ चढ़ाई दिखाई दे रही है, मुझे आप पीछे देखोगे ना ऊपर की तरफ चढ़ाई दिखाई दे रही है, तो अगर मैं कार को यहाँ छोड़ दूँ न्यूट्रल में डाल के तो मैग्नेट सामने वाले पहाड़ की उसको आगे खींच लेगी। तो अब ट्राई करते हैं ऊपर खींचती है कि नहीं खींचती है। गाइस कार को पार्क कर दिया है, अभी देखो ऐसे में अगर मैं इसको न्यूट्रल में डाल दूँ तो ये देखो कार आगे सरक जाएगी, और अगर इस कैमरे को मैं टेढ़ा कर दूँ तो अब ऐसा लग रहा है कार पीछे सरकेगी। चलो भाई चेक करते हैं, न्यूट्रल में डाल दिया कार और हल्की हल्की आगे तो सरक रही है, पर मेरे को तो ढलान भी उधर दिख रही है, सरक नहीं है, फालतू का ऑप्टिकल इल्यूजन बना रखा है। पता नहीं दोस्तों क्या मैग्नेटिक इफेक्ट होने वाला था, कुछ भी यहाँ तो देखने को नहीं मिला। ग्रेविटी में ज़रूर सरके जा रहे हैं अपन, ये देखो कितनी तेज़ जा रहे हैं, सरकते ही जा रहे हैं। देखो रोड ट्रिप के बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिली, ये है अभी जिस पर हम चल रहे हैं, दिस इज़ नेशनल हाईवे नंबर 1, और बगल में आप देखोगे तो ये नदी जो चल रही है ये है सिंधु नदी, जिसको इंडस रिवर भी बोला जाता है, वहीं से जो हमारा नाम आया कंट्री का इंडिया वो वहीं से आया। तो द ग्रेट इंडियन रोड ट्रिप में इंडियन इज़ फ्रॉम इंडियाज रोड ट्रिप के लिए नेशनल हाईवे नंबर 1। जस्ट सम रैंडम फैक्ट्स दोस्तों, लेह से कारगिल जाते समय हम लेते हैं छोटा सा डिटूर, इंडस रिवर को क्रॉस करते हैं और पहुंच जाते हैं अलची मॉनेस्ट्री। दोस्तों लेह से कारगिल जाते हैं तो रास्ते में 5 मिनट का छोटा सा डिटूर करो तो आप पहुंच जाओगे अलची मॉनेस्ट्री। तो अभी हम उसी को देखने आ गए हैं। दोस्तों ये है मॉनेस्ट्री और यहाँ पर ही क्लॉक रूम है, कैमराज आर नॉट अलाउड, तो मैं तो जा रहा हूँ, टिकट ले लिया है, मिलते हैं थोड़ी देर में। दोस्तों ये 1000 साल पुरानी जगह है और मोस्टली ये वुड क्ले इन चीज़ों की बनी हुई है, तो दीवारों में आप देखोगे उनमें काफ़ी सारे क्रैक्स भी हैं, अंदर जाओगे तो आपको ऐसा महसूस होगा यार ये वाकई में टाइम में आप बहुत पीछे आ गए हो। यहाँ पर 4 टेंपल हैं, उसमें से जो मेन टेंपल है उसमें वो 3 बुद्धाज हैं, अवलोकितेश्वरा द बुद्धा ऑफ कंपैशन, मैत्रेय द बुद्धा ऑफ फ्यूचर एंड मंजूश्री द बुद्धा ऑफ विजडम। तो अगर आप भी लेह से कारगिल जा रहे हो या कारगिल से ले आ रहे हो तो आप लोग के पास भी अगर टाइम हो तो यहाँ पे आ सकते हो, 5 मिनट का डिटूर है और आराम से यहाँ पे 1-2 घंटा स्पेंड कर सकते हो। यहाँ पर बहुत सारी इस तरीके से सुविनियर शॉप्स भी हैं। गाइस और कोने क्या बढ़िया रेस्टोरेंट ढूंढा है, अलचीज किचन, और यहाँ से देखो नज़ारा कुछ इस तरीके का है। ये है लद्दाखी डिश, इट्स कॉल्ड चितागी मटन, लेट्स टेस्ट इट। गाइस अपनी आ गई है लद्दाखी चाय, बटर चाय है, काफ़ी बटर है इसमें, अच्छी है। दोस्तों थोड़ा खाने पीने के बाद हम अलची मॉनेस्ट्री से कारगिल की ओर निकल लेते हैं और रास्ते बहुत ही सुंदर हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच में से पतली सी जगह है, वहां से सिंधु नदी बहती है और उसी के किनारे किनारे सड़क बना दी गई है। दोस्तों आज एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ हुई, रोड ट्रिप पर मेरी हमेशा कोशिश होती है कि यार सनसेट बहुत ही अच्छी जगह से आराम से देखेंगे, लेकिन आज मुश्किल लग रहा था। दूर की पहाड़ियों पर हमें धूप दिखाई दे रही थी लेकिन हम वैसे ही ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की छाँव में चल रहे थे, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे थे सन भी आगे बढ़ता जा रहा था, एक तरीके से सन के साथ रेस ही लग गई थी कि भाई सनसेट तो हम देख करके रहेंगे, और देखते ही देखते हम पहुंच जाते हैं NH1 के हाईएस्ट पॉइंट फोटोला टॉप पर, जहां एक परफेक्ट सनसेट हमारा वेट कर रहा था। अभी अभी सनसेट हुआ वहां पर, इतना सुंदर नजारा है यार, ये चारों तरफ घाटी आप देख सकते, घाटियों पर अभी भी ऊपर सनलाइट दिखाई दे रही है, वहां पर अभी अभी सनसेट हुआ है, अलग ही दिख रहा है यार यहाँ पे, ऐसा लग रहा है किसी और प्लेनेट पे हम लोग।
दूर दूर तक कोई भी नहीं है और कोई पता नहीं कहाँ है, आगे कि पीछे ये भी नहीं पता। गाइस अंधेरा हो चुका है और आप देखो आसपास कोई भी नहीं है, कोई गाड़ी नहीं जा रही है, इक्का दुक्का एकाध कोई गाड़ी और आ जाती है। और सच में वो जो डर होता है ना, अभी मेरे को डर लग रहा है। रिसेंटली कश्मीर में कुछ टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हुई थी और यार अंधेरे में पहाड़ों में चलाना नहीं चाहिए, तो पता नहीं भाई, पर पहुंचना तो पड़ेगा अब कारगिल। ऐसे रास्ते में यहाँ बीच में भी कहाँ रुक जाऊँ, आज घूमने के चक्कर में थोड़ा लेट हो गए, बैड डिसीजन। तो अब सुताते हैं, जैसे तैसे पहुँचते हैं कारगिल। पर मैं सिर्फ इसलिए रुका हूँ ताकि जो खौफ फील हो रहा है ना, सिर्फ इसलिए रुका मैं। गाइस रात के 9:45 बजे हम लोग कारगिल पहुंच गए हैं। मतलब आज एक रेजिलियंस टेस्ट हो रहा है सॉर्ट ऑफ लाइक, क्योंकि अंधेरा रास्ता, देयर इज नो पीपल एंड कारगिल मतलब सुन के थोड़ा सा वो डर लग जाता है। बस नहीं नहीं भाई, अच्छे से डर लगा मेरे को आज। गाइस कारगिल में डिनर कर रहे हैं हम, और को तुम बाइक गिल क्यों नहीं गए, तुम कारगिल क्यों आए? गाइस ये है हमारा आज का रूम, और इस रूम से भी ज़्यादा बढ़िया चीज़ ये देखो, और को कहाँ बैठ गया। ओए होए 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 होए, क्या बढ़िया नदी की आवाज़ आ रही है, कितना तेज़ फ्लो है यार। तो गाइस हमारी द ग्रेट इंडियन रोड ट्रिप है अभी लद्दाख में, लद्दाख यूनियन टेरिटरी में। आज हम लेह से ड्राइव करके आ चुके हैं कारगिल। टोटल किलोमीटर काउंट अपना हो चुका है 27,970। आज की ड्राइव थोड़ा रिस्की हो गई थी। आप सभी के लिए हमारी तरफ से गिफ्ट, ये फ्रिज मैग्नेट जो द ग्रेट इंडियन रोड ट्रिप का ऑफिशियल फ्रिज मैग्नेट है, इसको ज़रूर खरीद लो, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आप फिजिक्स से स्टूडेंट हो, जेई या नीट की तैयारी कर रहे हो, तो मेरे जेई और नीट के कलरफुल PDFs का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एब्सोल्युटली फ्री में, उसको अभी के अभी डाउनलोड कर लो। फुल कोर्स है, उसको भी आप परचेज कर सकते हो, सारे के सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। और अब हम मिलेंगे कल जब हम घूमने वाले हैं कारगिल, तो तब तक के लिए गुड नाइट, मिलते हैं कल। हेलो गाइस, मैं हूं मेहर फातिमा। और कहां पे आ गए हम लोग? विलेज हुंदरमान ब्रॉक। और यहां से हमें दिखाई देता है पाकिस्तान। तो ये लेटर लिखे थे पाकिस्तान भेजे गए थे, ये क्या चीज, मिट्टी के बने हुए, मिट्टी एंड पत्थर। आप पीछे देख सकते हो बहुत सारे जो शहीद हैं उनके वो स्टोन्स लगे हुए हैं, साथ में पीछे एक बहुत बड़ा तिरंगा है।